आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी। मैगी की रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मैगी की रेसिपी के साथ। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैगी का पैकेट लिया है, उसमें से हमने दो मैगी निकाल ली है और मैगी का मसाला भी हमने ले लिया है। अब हमने कुछ मटर लिए हैं और साथ में हमने एक कटा हुआ प्याज और एक टमाटर और थोड़ा सा हमने लिया है धनिया। उसके साथ हमने एक कटी हुई मिर्च भी ली है। अब हमने इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर लिया है। साथ ही हमने कढ़ाई भी रख दी है और गैस ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग तेल। जी हाँ दोस्तों, हमने 2 चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। उसके बाद हम कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। कटा हुआ प्याज हम डाल रहे हैं, इसके साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड करने वाले हैं। मटर ऐड करने के बाद में हमने अपनी कटी हुई एक छोटी सी हरी मिर्ची भी डाल दी है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। अब हमें इसको अच्छे से घुमा देना है ताकि कहीं से चिपके नहीं। उसके बाद हमने इसे ब्राउन होने के बाद एक टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर को इसमें अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ये सारे मसाले एक साथ मिक्स हो सके। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा ताकि इसको गलने में आसानी हो सके। टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे घुमाएंगे और उसके बाद हम इसे ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे ताकि हमारे टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए। ये देखिए दोस्तों, हमने थाली हटाई है और देख रहे हो आप स्क्रीन पे कि कैसे अच्छे से ये पक चुके हैं। अब हम इसमें बचे हुए मसाले भी ऐड करने वाले हैं। जी हाँ, हमने इसमें कुछ काली मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है। उसके बाद हमने इसमें मिला दी है अपनी लाल मिर्च, वो भी थोड़ी मात्रा में। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं। धनिया पाउडर भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से घुमा लेंगे। सारे मसाले मिक्स होने के बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, पानी हम कम से कम 1.5 मात्रा में डालेंगे। जी हाँ, पहले 1 गिलास डालेंगे और उसके बाद हम 1/2 गिलास पानी फिर से इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये प्रॉपर मात्रा में रहे। जी हाँ दोस्तों, हमने देखिए पानी को बहुत ही अच्छे से डाल दिया है और मसालों को पूरे अच्छे तरह से घुमा दिया है। इसके बाद हमें डालना है अपना मैगी मसाला। जी हाँ, हमने मैगी मसाला भी डाल दिया है। मैगी मसाला डालने के बाद में हमें इसको फिर से अच्छे से घुमाना है। अब हमें इसे अच्छे से घुमा के इसका बॉयल लेना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और फिर से हमें ढक्कन लगा देना है। कम से कम 2-3 मिनट बाद में हमें चेक करना है कि हमारे मसाले अच्छे से पके हैं या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, इसका कलर काफ़ी अच्छे से आया है और हमारे मसाले पककर पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अब हमें हमारी 2 मैगी जो हमने निकाली थी वो मैगी इसमें ऐड करनी है। हमने अपनी 2 मैगी इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर टुकड़ों में ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमने टुकड़ों में ऐड कर दी है ताकि ये मैगी अच्छे से घुल जाए और पूरी तरह से टेस्टी बने। उसके बाद हमें मैगी को बहुत ही अच्छे से घुमाना है। ज़ोर ज़ोर से हमें नहीं घुमाना है क्योंकि अगर हमें ज़्यादा ज़ोर से घुमाएंगे तो ये बहुत ही बारीकी से टूट जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हमें ढक्कन लगाकर बंद कर देना है और फिर से 5 मिनट बाद में चेक करना है और देखना है कि हमारी मैगी बन गई है या फिर अभी भी कच्ची है। देखिए, मैगी पूरी तरह से नहीं बनी है, इसीलिए हम एक बार फिर से इस पर लगा देंगे ढक्कन ताकि ये अच्छे से पक सके। हमने इस पर ढक्कन लगा दिया है और फिर से कुछ देर बाद में 2-3 मिनट बाद में चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं हमारी मैगी गल तो नहीं गई है। देखिए दोस्तों, हमारी मैगी पूरी तरह से बनकर रेडी हो रही है। अब हम इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से इसका जो पानी है वो चला जाए और हमारी मैगी बन जाए। देखिए दोस्तों, हमारी मैगी बनकर पूरी तरह से अब रेडी हो गई है। हमें इसे घुमा देना है और
और सारे मसाले, और अब इसमें सब कुछ मिक्स हो चुका है और हमारी मैगी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। हमारी मैगी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें गैस बंद कर देना है और एक प्लेट लेनी है और प्लेट के अंदर हमें हमारी मैगी जो बनी हुई है वो डाल देनी है। जी हाँ दोस्तों, हमने सारी मैगी अब अपनी प्लेट में डाल दी है और इसको अच्छे से सर्व भी किया है। देख रहे हो दोस्तों कि कैसे हमारी मैगी बनकर पूरी तरह से रेडी हो गई है, कैसे इसमें गरम गरम भाप आ रही है। इसको देखकर तो मज़े आ रहे हैं कि जल्दी से बस इसको खा लिया जाए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये मैगी की रेसिपी? इसके बाद हमें इस पे अपना धनिया भी डाल देना है। हरे धनिए के साथ मैगी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। देख रहे हो स्क्रीन पर कि मैगी का कलर कितना प्यारा आया है और हमारी मैगी कितनी यम्मी लग रही है। हमारी मैगी अब खाने के लिए तैयार है और आप भी अपने घर पे मन चाहे मैगी को बना सकते हैं। मैगी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ढेर सारी ऐसी ही रेसिपीज लाते रहेंगे और मैगी की रेसिपी लेने के लिए आप हमारी जल्दी से वीडियो देखिए और ये यम्मी यम्मी मैगी खाइए।